दोस्तों, उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से फोन से वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाओ, बकवास करो, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ और डिप्रेशन से बचो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आधा घंटा न्यूज देख लो तो लगता है बस अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। जब से मैंने न्यूज चैनल देखना बंद किया है, सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है। वरना ये लोग तो पूरा इंतजाम किए बैठे थे मुक्तिधाम पहुंचाने का। इसलिए मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ खबरों को छोड़कर संगीत का या मन पसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार के साथ खूब एंजॉय करें। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने एक सोते हुए शेर के कान खींच लिए। शेर उठा और गुस्से से दहाड़ा, किसने किया ये, किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में अत्यधिक उदास हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा लीजिए। शेर ने हंसते हुए पूछा, मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा क्या? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर बोला, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाता हूं। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहें, कान खींचते खिंचाते रहें, पंगा लेते रहें, स्वस्थ ना रहें, मस्ती करते रहें। अपने मित्रों से संपर्क बनाकर रखिए, विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।